चाहिए दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविश रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है स्पेशल वेलकम फ्रॉम जापान टू मोदी, रोबोट सेज नमस्ते इंडिया। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये निमरा अहमद जी की वीडियो है और इन्होंने जो मोदी जी है उनका जापान में जिस तरह से स्वागत किया गया है, रेड कार्पेट बिछाई दी गई, तो इसके हवाले से वहाँ के लोगों से पूछा है जो इंडिया का पूरी दुनिया में किस तरह स्वागत किया जाता है, तो उस पर वहाँ की पाकिस्तान की आवाम ने क्या राय दी है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में, आखिर तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी नए व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नरेंद्र मोदी का इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से जापान में वेलकम किया गया है, रेड कार्पेट पे उनका वेलकम किया गया है। इसके अलावा जापान में रोबोट्स ने नमस्ते इंडिया के नारे भी लगाए हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये सोने की चिड़िया है, ठीक है, इसलिए नहीं बुलाया जाता पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अब मुझे लग रहा है कि और चंद सालों में जो है ना काफी ऊपर जाने वाला है। देखें जी, भारत जो है ना, ये असल में आप बात जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें, हमारे जो एशिया ममालिक है ना, इस्लामी ममालिक जो है, ये गैर मुस्लिम जो है ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम इनको इनवाइट करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी जो है ना ये मोशे जो है ऊपर जाए। हमारी आवाम इस तरह की है, वो जानवर है, जानवर को पता नहीं चल रहा होता ये खाना खिलाने लेके जा रहे हैं या मेजबा करने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो ये मोशत है ये बड़ी बोली वाली है, इसको आप सबस बाग दिखाएं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये आपके पीछे चल पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट है वो मोदी को सपोर्ट कर रही है, मोदी जो है वो किसी को नहीं जीने दे रहा, जो सा भी आगे आते हैं वजीर आजम के लिए या किसी कुर्सी के लिए, तो मोदी जो है उसको मरवा देता है। जैसे ये जो मरवा दिया गया है सिद्धू मूसेवाला जो था, कि बात बताया गया है पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती के साथ जो है ना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हकीकत बयान कर भी देनी चाहिए, फॉरेन फंडिंग हो गई, ठीक हो गया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और पाकिस्तान का जितना भी पैसा होता है बाहर में मालिक में जो हमारे हुक्मरान है वो ले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निमरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं G7 समिट से रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जापान में हिरोशिमा में G7 समिट चल रही है, जिसमें इंडिया को भी इनविटेशन दी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में इस वक्त मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से जापान में वेलकम किया गया है, रेड कार्पेट पर उनका वेलकम किया गया है। इसके अलावा जापान में रोबोट्स ने नमस्ते इंडिया के नारे भी लगाए हैं। जब रोबोट से पूछा गया कि व्हाट डू want, तो उन्होंने ये बोला कि I want Indian people to join us, ऐसा रोबोट्स ने वहां पर बोला है। इसके अलावा एक और खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर एक बयानिया दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, और वो ये कि पाक भारत रिलेशनशिप्स बन सकते हैं मगर तब जब पाकिस्तान में से टेररिज्म खत्म हो जाए, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। इसके बारे में आज पाकिस्तानी आवाम को बताने वाले हैं, जो स्टेटमेंट भारत की जानिब से, जो स्टेटमेंट भारत के वजीर आजम की जानिब से दी गई है, उसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है, किस तरह से रिप्लाई देती है, और जिस तरीके से वहां पर वेलकम किया गया है इंडिया का, जो प्रोटोकॉल इंडिया को दिया गया है, उसके बारे में क्या कहती है पाकिस्तानी आवाम, आज जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। देखिये मैडम, सबसे पहले तो आपका जो सा भी आपका चैनल है, जो भाई भी देख रहे हैं ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जो है ना, ये सोने की चिड़िया है, ठीक है, इसलिए नहीं बुलाया जाता पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अब मुझे लग रहा है कि और चंद सालों में जो है ना काफी ऊपर जाने वाला है, ठीक हो गया है। और वो इस तरह के देखे, आपका सी पैक जो है वो रुका हुआ था, सी पैक हमारा दोबारा तैयार हो रहा है, दोबारा तैयार हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है हर चीज मौजूद है। एक सी पैक पे पूरा पाकिस्तान चल जाएगा सर? नहीं, सी पैक में पूरा पाकिस्तान तो नहीं चलेगा मैडम, आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं यही बोलूंगा ये मुनाफकत है, जो पाकिस्तान को इनवाइट मुल्क नहीं करता ना, ये मुनाफकत है। अगर आप सुपर पावर होते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सुपर पावर होता, कोई इंटरनेशनल मीटिंग किसी मकसद के लिए पाकिस्तान ने रखवानी होती, तो सबसे पहले पाकिस्तान क्या प्रेफर करता, किन किन ममालिक को बुलाता जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, सही है ना? जाहिर सी बात है, देखें जैसे अमेरिका हो गया, ठीक हो गया, इंडिया हो गया, जितने भी स्टैंड ममालिक है, जाहिर सी बात है उनको दावत देनी बनती थी, लेकिन आपने बोला है पाकिस्तान कुछ अरसे में ऊपर जाने वाला है, इन हालात को देखते हुए कैसे ऊपर जाने। देखिये, हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमेशा ये बोलते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान सबसे आगे है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो हम हकीकत को झुठला नहीं सकते। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब गलतियों से सीखता है।
जी जी बिल्कुल आपने एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन अब हल क्या आपकी नजर में, क्यों नहीं बनवाया जाता? मुझे तो आपकी राय चाहिए। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं बनवाया जाता, ये मुनाफ़त ही है ना। मुनाफ़त क्या? अब आप पहले मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर है? हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं, हम तो नीचे गिरे हुए हैं। हमारा मुल्क इस वक्त जमीन पे गिरा हुआ है, गिरा नहीं हुआ बल्कि हमारे हुक्मरानों ने गिराया है, जमीन पर गिरा दी है ना। हमने कर्जे लिए हैं, ठीक है, ये कर्जे जो है हुक्मरानों ने लिए हैं, भुगतने हमें पड़ने हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा डिफिकल्ट देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान को जो है ना अभी कम से कम 10 से 15 साल चाहिए स्टैंड होने के लिए, 10 से 15 साल चाहिए स्टैंड होने के लिए। तो मुझे एक बात बताएगा, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, G7 में उनको इनविटेशन दी गई है, रेड कारपेट पर उनका इनवाइट किया गया है, इसके अलावा एक रोबोट था जिसने स्पेशल इंडिया को नमस्ते इंडिया बोला, तो क्या लगता है क्यों भारत को प्रिविलेजेस दी जा रही हैं? देखें जी, भारत जो है ना, ये असल में आप बात जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें, हमारे जो एशिया ममालिक है ना, इस्लामी ममालिक जो है, ये गैर मुस्लिम भी है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम इनको इनवाइट करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी जो है ना ये मोशे जो है ऊपर जाए। तो जाहिर सी बात है वो भी गैर मजहब है, वो भी गैर मजहब है, तो उस हवाले से फिर जो है ना आपस में ये दावते का है। पता है कि पाकिस्तान ने इसराइल से भी मदद मांग ली थी कुछ अर्सा पहले, 1.5 से 2 महीने पहले की बात है। अभी आपने मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात की है, क्या आपको पता है सऊदीया की इतने रिलेशनशिप हमसे स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने भारत से स्ट्रॉन्ग है? क्या आपको पता है दुबई की उतने रिलेशनशिप हमसे स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने भारत से स्ट्रॉन्ग है? हमारे गल्फ नेशन, हमारे अरब ममालिक, उनकी जो रेलवे लिंक है वो डायरेक्ट भारत से जुड़ने वाला है, आपको ये आइडिया है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी तरह ही है। लेकिन बात यह है कि देखिए, जबरदस्ती तो किसी से अपनी जो है ना दावत करवा नहीं सकते हैं, ठीक हो गया ना। ये तो वो जो ममालिक दावत दे रहे हैं, इंडिया को दावत दे रहे हैं, गैर ममालिक जितने भी हैं उधर जा रहे हैं। हमें अगर दावत नहीं दी जाती तो मेरे ख्याल में ये जो है ना ये मुनाफ़त ही है। हमारी तो इस वक्त मोशत जो है ना वो एक टाइम का खाना नहीं खा सक रही है, ठीक है। कैसे ऊपर जाएंगे? हुक्मरान जो भी आते हैं, पीटीआई आती है, नून लीग आती है, जो सी भी जमात आती है, हमारी आवाम इस तरह की है, वो जानवर है, जानवर को पता नहीं चल रहा होता ये खाना खिलाने लेके जा रहे हैं या मेजबान करने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो ये मोशत है ये बड़ी बोली वाली है, इसको आप सबस बाग दिखाएं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये आपके पीछे चल पड़ेगी। हालांकि जितने भी हुक्मरान हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है ना कोई हमारे जो हक में है हुक्मरान। आपने मुनाफ़त की बात की है, ये मुनाफ़त हमारे साथ अमेरिका कर रहा है, बैरूनी ताकतें कर रही हैं या फिर भारत कर रहा है? देखें जी, ये मैं सभी का नाम लूंगा जो गैर ममालिक है, गैर मुस्लिम है, जो कलमा गो नहीं है, ये सारे हमारे दुश्मन है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बोलूं, पाकिस्तान के मुसलमान ही सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, दूसरे अरब ममालिक को देख ले, 50+ इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज है, वो ये नहीं कहती कि गैर मुस्लिम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरक्की पर फोकस किया, मेहनत की, और आज देख ले वो कहाँ है, और हम यही कहते रह गए कि गैर मुस्लिम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप कौन सी मेहनत कर रहे हो? आप मेहनत करोगे तो आपकी नजर आएगी सर, मेहनत करोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मैडम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे एक बात करूंगा कि ये हमारे साथ जो जवाल आया हुआ है, ऑल एशिया की बात करो, आम मुस्लिम मालिक की बात कर रहा हूँ, हम ना थोड़ा सा दीन से पीछे हट गए हैं। हमारा जो दीन है ये गैर ममालिक जो है इन्होंने अपना लिया है, ठीक है, वो हमारे दीन के ऊपर अमल। अरे भाई, आपका दीन गैर ममालिक ने अपना लिया है, कैसी बात कर रहे हो? क्या उनके खुद की दीन नहीं है, उनका धर्म नहीं है, उनके धर्म ने कुछ अलग बातें बताइए? सभी धर्मों में सभी अच्छी बातें लिखी है और सभी अपना धर्म फॉलो करते, दूसरे का धर्म नहीं फॉलो करते। आप करते हो क्या हिंदुइज्म? आप कर सकते हो? आप कैसे कर सकते हो कि भाई हमारे दीन की बातें दूसरे धर्म फॉलो करते? ऐसा नहीं है, सब अपने अपने धर्म की बात फॉलो करते हैं और सभी धर्मों में अच्छी बातें लिखी गई है, ये बात आप समझ लीजिए, समझ गए? कर रहे हैं वो, झूठ नहीं बोलते हैं, सोचा उन्होंने बेचना है, एक नंबर बेचना है, ठीक है, जो बात करनी है रियल करनी है। उनके ममालिक में खुशहालियाँ भी हैं, उनके ममालिक में खुशहालियाँ भी हैं। आज पाकिस्तान जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने भी सरमायादार हैं ना, वो अपना बाहर के मुल्क चले गए हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। इसमें हमारी अपनी गलती है ना सर, हम अपने ईमान के साथ साथ ईमानदारी भी नहीं रख सके अपने आप में। देखें जी, ये मेरा और आपका कसूर नहीं है, ये कसूर जो है ये कुरान का फैसला है, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है।
आप हमारे ये जो मजीद इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे भाइयों को चाहिए कि अच्छा जो है ना इंतखाब करें, अच्छे लीडर को जो है ना आगे लेके आए, जो कि जैसे तुर्की को देख लें, अब वो जो है क्या नाम है उसका, तैयब अर्दगान, ठीक है, अब वो तीसरी दफा वजीर आजम बन गए हैं, अवाम के साथ वो खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, उसको मैं मानता हूँ लीडर, ठीक है। हमारे अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो कि अपनी बात के ऊपर अमल किया हो, ठीक है, किसी भी लीडर ने सब बात दिखाते हैं, अवाम को जो है वो पीसते हैं, और उसके अलावा जो है ना आईएमओ के पास जाते हैं, कर्जे लेते हैं, ना हम कर्जे लेते हैं, ना हमारी अवाम कर्जे लेती है, कुरान कर्जे लेके बाद में कहते हैं जी ये कर्जे जो है अवाम में से निकलवाने हैं, टैक्सीज इतने हैं कि बड़ा बुरा हाल हो चुका है मौसम का। सर अभी अभी रिसेंटली ही मैं घर से एक खबर पढ़ के आई हूँ जो दिखाई भी जा रही थी हमारे मीडिया चैनल पर, और वो ये थी कि जापान हिरोशिमा जहाँ पर G7 की मीटिंग हो रही है वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके साथ दोस्ती कायम करना चाहते हैं, लेकिन तब जब वहाँ पर टेररिज्म खत्म हो। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपके कहने का मकसद है मोदी हमें जो है दहशतगर्द करार दे रहा है, दहशतगर्द मेरे ख्याल में मोदी खुद है, ठीक है। कश्मीर का अगर आप कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में जो है ना टेररिस्ट सबसे बड़ा मोदी है, वहाँ की जो है क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट है वो मोदी को सपोर्ट कर रही है, मोदी जो है वो किसी को नहीं जीने दे रहा, जो सा भी आगे आता है वजीर आजम के लिए या किसी कुर्सी के लिए तो मोदी जो है उसको मरवा देता है, जैसे ये जो मरवा दिया गया है सिद्धू मूसेवाला जो था। अरे भाई कौन सा जाहिल आदमी है यार ये, हाँ जो कोई मोदी कुछ के 100 साल से क्या पीएम ही है क्या इंडिया का? हाँ अभी 2014 से वो पीएम बने हैं, अभी दूसरी टर्म चालू है उनकी, उन्होंने अभी तक कितने मरवा दिए, कुछ भी अपने मुंह में आया जाहिल सरी का बोल दिया बस। अभी वो सिद्धू मूसेवाला का और इसका क्या लेन देन है भाई, वो तो गैंगस्टर ने मारा है उसको। सिद्धू मूसेवाला कुछ पॉलिटिकल इंसान था क्या, पॉप सिंगर था वो? ऐसी जाहिलियत वाली बातें करते हो, करके तो तुम्हारा देश पीछे है यार। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ मनमोहन सिंह का आपने नाम सुना होगा जो कि एक सिख थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है आजादी राय, कि हर कोई अपनी जिंदगी के मुताबिक अपनी वहाँ पर जो है उनको हर किसी को राइट्स हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आजाद मुल्क, हर तरह से आजाद मुल्क। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर एक सिख प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, उनकी पार्लियामेंट्स वगैरह में सिख मुस्लिम वगैरह मिलते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर एक अगर आपने मोदी की बात की है तो वो अपना राज वहाँ पर चला सकते हैं? सर इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की मीडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने कश्मीर की भी बात की है, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया कश्मीरियों की भी राय ले रहा है। कश्मीरी, आपको पता है कश्मीर में इस वक्त कितनी डेवलपमेंट हो रही है? दुबई एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है। G20 दुनिया के 20 टॉप इकोनॉमीज, वो G20 की मीटिंग इस वक्त कश्मीर में हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीटिंग्स हो रही होंगी लेकिन हम तो उस वक्त मानेंगे जब अमल दरामद होगा। हो चुका है। देखिए जी मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पहले मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी मोदी के बारे में। हामिद मीर को जानते हैं आप? हामिद मीर हमारे जो सहाफी हैं, हाँ हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, इन दोनों ने आपको पता, हामिद मीर ने कुछ अर्सा पहले बोला था कि मोदी एक ईमानदार लीडर है, फिर हमारे ऑफिशियल्स की उनको प्रेस कर रहे हैं क्या? देखें जी ये बात नहीं कही जा सकती, पता क्या चक्कर है, हामिद मीर ने अगर कहा तो कोई हो सकता है बीच में उनकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं क्या इंडिया से? सर क्या बात है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। असल में ना समटाइम इससे होता है कि कई बात जो है ना जो नहीं भी कहने वाली होती ना वो सोशल मीडिया के आगे आवाम के आगे करनी पड़ भी जाती है। क्यों करनी पड़ जाती है सर? पर्सनल पट्टी पर बंदूक रखा हुआ है सर। मेरा देखिए एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफी है, मीडिया पर आकर अगर वो कोई बात कह रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी, एवं थोड़ी ना कोई बड़बड़ कर देता है जर्नलिस्ट आकर। नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, देखिये हमारे तो वो सीनियर उस्ताद भी है, सीनियर साफी भी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, अभी तो हम सीख रहे हैं, उसके बारे में मैं जो है ना कोई राय नहीं देना चाहती। एक सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, 75 साल हो गए हैं। देखिए जी हमें जो है ये तैयब उर्दवान जो है इनकी हमें नकल करनी चाहिए, जैसे ये चल रहे हैं। सऊदीया जो है देखें कितना आगे चला गया, चाइना की करेंसी किधर थी, इंडिया की करेंसी किधर थी, बांग्लादेश की करेंसी किधर थी, ठीक है, उनमें क्या है, उनमें जज्बा है, आगे बढ़ने का जज्बा है, जो वो करते हैं वो करके दिखाते भी हैं, अपनी अवाम के साथ जो वादे करते हैं ना हुक्मरान उनको चाहिए कि वो निभाएं भी, वादे निभाएं भी, वादे निभा नहीं पाते हैं। बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, फिर तुर्की हो गया, इंडिया हो गया, जितने भी ये कंट्रियां हैं ये हमसे बहुत ज्यादा पीछे थे। अफगानिस्तान को आप देख लें, अफगानिस्तान की करेंसी किधर जा चुकी है,
ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हमें कोई, मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी कोई जो है ना अच्छा लीडर आ पाएगा। देखे पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, मैं तो खुद भी बड़ा पाकिस्तान के लिए ना निकलता हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, मेरी मेरे बच्चों की, मेरे जितने भी फैमिलीज हैं पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए जो जान भी हाजिर है, और जाते जाते जो है ना हम पाकिस्तान को सलूट में मारेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी कौम के लिए सबसे बड़ी सिंसेरिटी तब होगी जब हम इंडिविजुअल लेवल पर करप्शन बंद करेंगे, जब हम दिल से साथ देंगे पाकिस्तान। देखें जी पाकिस्तान में मैडम, देखिए बात बताया गया है, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती के साथ जो है ना कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हकीकत बयान कर भी देनी चाहिए, फॉरेन फंडिंग हो गई, ठीक हो गया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और पाकिस्तान का जितना भी पैसा होता है बाहर में मालिक में जो हमारे हुक्मरान है वो ले जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर जाए कि पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आए, पाकिस्तान में कारोबार, ये जो फैक्ट्रीज होती है इनको ओपन करें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमारा बहुत ऊपर जाने वाला है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आशा करता हूँ आपको काफी अच्छा मजा आया होगा इस वीडियो में। और ये इस तरह के जो इंसान है जिनको कुछ मालूम नहीं आता, पता नहीं है, ऐसे चाइल्ड किस्म के लोग पाकिस्तान में, तब तक तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्ग ही रहने वाला है। और शुक्र है कुछ अभी जो निमरा अहमद जी है और जो कुछ बाकी एंटरटेनमेंट टीवी वाले शोएल भाई है और दिल्ली स्वैग वाले और बाकी रिएक्शन जो वाले फैजल भाई है, ऐसे कुछ यूट्यूबर्स है जो कि यहाँ के जाहिलों को थोड़ा सा रियल फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इनको सुधारते सुधारते बहुत समय लगने वाला है और मेरे ख्याल से इतने जल्दी सुधरने वाले लोग नहीं है, लेकिन शुक्र है कुछ लोग अच्छे भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं, तो लेकिन ऐसे जाहिलों को जल्दी से इनका माइंड फ्रेश करना चाहिए, ऐसा मैं सबको कहूँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले फिर से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओरिजिनल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चलिए चलते हैं चाहिए।